तेजस्वी यादव की ताजपोशी की आ गई तारीख, तैयारियां हुई शुरू। तेजस्वी की कैबिनेट में देखेंगे ये तेज तर्रार चेहरे। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की बैठक के बाद लग गई मोहर, बीजेपी में मच गया हड़कंप, सारे हथकंडे हो गए फेल। सावन के महीने में ही तेजस्वी यादव के सिर पर सजेगा ताज। नए मंत्रियों की लिस्ट बनकर हो गई तैयार। जिस बात से बीजेपी घबरा रही थी उसी बात पर मोहर लग गई है। पिछले महीने से ही सुपुकाहट तेज हो गई थी कि तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाया जाना है और नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। यानी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जो मेहनत तेजस्वी यादव ने की है उसकी कमान नीतीश कुमार संभालेंगे, जबकि तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपी जाएगी। इस खबर ने बीजेपी के नेताओं को इस कदर बेचैन कर दिया था कि कभी धीरेन्द्र शास्त्री की चरण वंदना करके, कभी तेजस्वी के खिलाफ मामला दर्ज कराकर, तो कभी 14 साल पुराने मामले में आरोपी बनाकर तेजस्वी का रास्ता रोकने की कोशिश हो रही थी। लेकिन सावन के महीने में बीजेपी के लिए बिहार से बुरी खबर सामने आई है, जब तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तारीख का ऐलान कर दिया गया। तेजस्वी यादव लेंगे सीएम पद की शपथ, साथ में देखेंगे तेजस्वी की स्पेशल 26। बिहार से बीजेपी का वनवास शुरू। बीजेपी इसलिए सबसे ज्यादा परेशान थी क्योंकि एक बार नीतीश कुमार को बरगलाकर अपने पाले में ला सकती थी और फिर से बिहार में सत्ता में आ सकती थी, लेकिन तेजस्वी यादव के सीएम बनने के बाद एक लंबा वनवास बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही खबर आई थी कि तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाया जाना है, उसके बाद से ही तमाम बीजेपी नेता तेजस्वी को फंसाने में जुट गए थे। पहले गुजरात में ठग वाले बयान पर तेजस्वी को फंसाने की कोशिश हुई, उसके बाद बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार में हिंदू राष्ट्र के नाम पर माहौल बनाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये खेल भी धरा का धरा रह गया। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने विपक्षी पार्टियों की बैठक पटना में कराई, उसी वक्त ऐलान कर दिया था कि बीजेपी किसी न किसी मामले में उनका नाम घसीटेगी और फिर तेजस्वी की राह में रोड़े अटकाने के लिए 14 साल पुराने लैंड फॉर जॉब मामले में उनका नाम चार्जशीट में डाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर बीजेपी डोरे डालती रही। एक बार तो नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे तो बीजेपी नेता सुशील मोदी बिना बुलाए ही राजभवन पहुंच गए थे, जहां नीतीश कुमार से मुलाकात की, लेकिन फटकार खाने के बाद समझ गए कि खेल बिगड़ चुका है। ऐसे में अब खबर है कि बिहार सरकार का विस्तार होने जा रहा है, जिसमें तेजस्वी यादव की सलाह पर नए चेहरों को एंट्री दी जानी है। हाल ही में विपक्षी मोर्चा इंडिया बनने के बाद तेजस्वी यादव एकता का संकेत देना चाहते हैं, इसलिए बिहार में कांग्रेस के विधायकों को सरकार में शामिल करने की कवायद शुरू कर दी। खबर है कि जल्दी कैबिनेट विस्तार होगा, जिसमें कांग्रेस के 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाना है। इसके साथ ही आरजेडी कोटे से 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाना है, जिसके बाद खबर है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, जिसकी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को मिलेगी। पहले कांग्रेस के नेता अखिलेश दास से तेजस्वी की बैठक हुई, उसके बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, जिसके बाद तय हुआ कि जल्द से जल्द बिहार में सत्ता परिवर्तन कर लिया जाएगा, जिससे नीतीश कुमार अपना पूरा ध्यान विपक्षी मोर्चे में मिली जिम्मेदारी पर लगा सके। इस खबर ने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया है। तेजस्वी यादव की ताजपोशी की आ गई तारीख, तैयारियां हुई शुरू। तेजस्वी की कैबिनेट में देखेंगे ये तेज तर्रार चेहरे। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की बैठक के बाद लग गई मोहर, बीजेपी में मच गया हड़कंप, सारे हथकंडे हो गए फेल। सावन के महीने में ही तेजस्वी यादव के सिर पर सजेगा ताज। नए मंत्रियों की लिस्ट बनकर हो गई तैयार। जिस बात से बीजेपी घबरा रही थी उसी बात पर मोहर लग गई है। पिछले महीने से ही सुपुकाहट तेज हो गई थी कि तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाया जाना है और नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। यानी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जो मेहनत तेजस्वी यादव ने की है उसकी कमान नीतीश कुमार संभालेंगे, जबकि तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपी जाएगी। इस खबर ने बीजेपी के नेताओं को इस कदर बेचैन कर दिया था कि कभी धीरेन्द्र शास्त्री की चरण वंदना करके, कभी तेजस्वी के खिलाफ मामला दर्ज कराकर, तो कभी 14 साल पुराने मामले में आरोपी बनाकर तेजस्वी का रास्ता रोकने की कोशिश हो रही थी। लेकिन सावन के महीने में बीजेपी के लिए बिहार से बुरी खबर सामने आई है, जब तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तारीख का ऐलान कर दिया गया।